सब्जियों के बिना थाली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे देश में अलग अलग मौसमों के लिए अलग अलग तरह की सब्जियां उपलब्ध रहती हैं। ज्यादातर सब्जियां दो चरणों में उगाई जाती हैं। पहले चरण में नर्सरी तैयार होती है और दूसरे चरण में उनकी मुख्य खेती। अगर आप ट्रे में नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो टमाटर, बैंगन और बेल वाली सब्जियों के लिए 18 से 20 घन सेंटीमीटर वाली ट्रे की जरूरत होगी, जबकि शिमला मिर्च, फूल गोभी और सलाद वाली सब्जियों के लिए 8 से 10 घन सेंटीमीटर की। इस तरह के प्लास्टिक ट्रे में शंकु के आकार वाले खाने बने होते हैं। शंक्वाकार का मतलब है कि ये खाने ऊपर से चौड़े और नीचे की ओर संकरे होते चले जाते हैं। बीज इन्हीं खानों में बोए जाते हैं। ट्रे में बीज बोने के लिए मिट्टी नहीं बल्कि अलग तरह का पदार्थ चाहिए। इस पदार्थ में तीन हिस्से कोकोपिट, एक हिस्सा वर्मिकुलाइट और एक हिस्सा परलाइट का होगा। इस मिश्रण को पानी में भिगोकर खानों में भर देंगे और हर खाने में एक एक बीज बोया जाएगा। बुआई के बाद बीज को वर्मिकुलाइट से ढक दिया जाएगा। वर्मिकुलाइट इसलिए क्योंकि इसमें नमी ज्यादा देर तक बनी रहती है। बीजों के अंकुरण के समय तापमान अनुकूल हो तो ट्रे को बाहर भी रख सकते हैं, वरना अंदर रखना ही बेहतर रहता है। गर्मियों के समय दिन में दो बार और सर्दियों में एक बार सिंचाई करनी होगी। बुवाई के लिए एक हफ्ते बाद पानी के साथ नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस मिलाकर छिड़काव किया जाएगा। इस तरह उगाई पौध 22 से 25 दिनों में तैयार हो जाती है, जबकि आम विधि में ये एक माह का वक्त लेती है। ट्रे के पौधे मुख्य खेत में रुपाई के बाद जल्दी पनपते हैं और बेहतर पैदावार देते हैं। आमतौर पर रुपाई सुबह या शाम के समय करें। ज्यादा गर्मी हो तो शाम का वक्त ही चुनें। ट्रे में पौध तैयार करने के कई फायदे हैं। एक तो इसमें बेमौसमी पौध भी आसानी से तैयार हो जाती है। दूसरे, मिट्टी जनित बीमारियों का खतरा नहीं रहता। तीसरे, कम जगह में ज्यादा पौध तैयार हो जाती है। और चौथे, पौध को ट्रे सहित कहीं भी लाना ले जाना आसान होता है। इसके अलावा पौधों की बढ़वार एक समान होती है और जड़ें नहीं टूटती। जड़ें न टूटने की वजह से ही फसल जल्द तैयार हो जाती है। ट्रे में संकर किस्मों के बीज की बर्बादी कम होती है और सभी पौधे विषाणु से मुक्त होते हैं। ट्रे में पौध तैयार करेंगे तो उसे बेचना भी आसान होगा और नर्सरी का व्यवसाय करना भी। आधुनिक तरीकों ने खेती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज अगर हमारा देश रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले पा रहा है तो उसमें नई तकनीक का बड़ा योगदान है। ट्रे विधि से नर्सरी तैयार करना भी आधुनिक तकनीक है, जो किसानों का काम न सिर्फ आसान बना सकती है बल्कि ज्यादा लाभकारी भी।